जय माता की दोस्तों, जय माता की। आप अष्टमी पूजा जब करें, कन्या कंजक पूजा करें, कन्याओं को जिमाएँ, तो एक जोत आपको भैरव बाबा की लगानी है, जैसी पीछे की तरफ लगाई गई है। तेल का दीपक है, पास में उड़द रखे हैं, पान सुपारी आदि रखी है, और आपको पहले बता चुके हैं कलश कैसे रखना है, नारियल का मूंज रखना है, और बीज वाला फल ज़रूर चढ़ाएं। जैसे कई जगह दो केले चढ़ा देते हैं, लेकिन बीज वाला कुछ भी, चीकू, अमरूद, सेब, संतरा, किन्नू, कुछ भी चढ़ाएं। और घंटी के पास शंख को रखें, और जब जोत रखें उसके नीचे इस प्रकार से कुछ सतिया या वगैरह बना लें। पंचोपचार से गणेश पूजन है, इस प्रकार जरूर करें। लौंग, इलायची, पंचमेवा जरूर, और मुश्क कपूर जो आरती में चाहिएगा, शहद, पंचामृत, फूल, फल। संकल्प जब करें तो इस प्रकार से गुड़ या कुछ फल गाय के लिए निकाल दें। पूजन में छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। तिलक इस प्रकार शंख पे, घंटी पे, जोत पर, कलश पर, नारियल पर, दीपक पर जरूर लगाएं आदि, सभी प्रकार का ध्यान रखें। जय माता दी भक्तों, जय माता दी।